चला गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो ग्रंथ का नाम है श्री माधुर्य-कादंबिनी। कहाँ चला गया? ग्रंथ का नाम माधुर्य-कादंबिनी हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसका नाम माधुर्य-कादंबिनी क्यों नाम पड़ा है? माधुर्य मतलब होता है मधुरता, कादंबिनी मतलब होता है जो मेघ। कहते भगवान की जो कृपा है, कहते जिसमें केवल मिठाई मिठाई है, मतलब भगवान का जो आशीर्वाद है। कहते यहाँ पर किसका आशीर्वाद है? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है, जिसमें माधुर्य मधुरता मधुरता है, जिसमें कभी अमंगल नहीं होता, जिसमें मंगल ही मंगल जिसमें होता है। इसलिए जब से विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ये ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ का प्रारंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। बोले से किसकी कृपा ये इतना मीठा मधुरता? बोले चैतन्य महाप्रभु का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा। बोले इतना कृपा कहाँ से आ गया? वही कृष्णा जब रामावतार में आए, अगर थोड़ी कोई उल्टा पुल्टा के लिए ना उठाया धनुष, पूरा लंका समेत ध्वंस कर दिया। जब कृष्णा अवतार में आए शिशुपाल जरासंध, इसलिए कंस इन लोगों ने कोई उल्टा पुल्टा किया तो उन्होंने उठाया चक्र और सबको मार दिए। लेकिन महाप्रभु का अवतार में इतने दयालु कैसे हो गए, कृपा कैसे हो गए? बोले कारण है उनका नाम गौर हरि। नाम क्या है? गौर हरि। गौर मतलब श्री राधा रानी गौरी और हरि मतलब श्री हरि, ये दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कहते राधा भाव दुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वही कृष्ण जब द्वापर युग में उनके लीला समाप्त हो गई, जब अपना गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन निकुंज में बैठी बैठी कर कृष्ण सोच रहे हैं, मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छा पूरी की, सारे रस को, सख्य रस को, वात्सल्य रस को, मधुर रस को, सब रस को मैंने आस्वादन किया है, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से ऊपर चली गई। बोलो क्या है? बोले राधा रानी की जो प्रेम की क्या महिमा है, मुझे राधा रानी देख करके आनंद प्राप्त करते, मैं भी आनंद प्राप्त करता हूँ, लेकिन राधा जी के शरीर में जो दिव्य उन्माद, राधा रानी के शरीर में जो तरह तरह का भाव प्रकाश होता है, कहते मुझे जितना आनंद मिलता है राधा रानी को, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है, करोड़ों गुण। इसलिए जरूर उसकी प्रेम में कोई चीज है, लेकिन वो मुझे ही दर्शन करके वो सारे प्रेम मेरे अंदर में, सारे प्रेम मेरे अंदर में, मेरे को देख करके ही वो आनंद अनुभूति करते हैं। लेकिन मेरे को देखकर तो आनंद अनुभूति करते, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे अंदर में क्या आनंद है। जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला में क्या आनंद है, अभी रसगुल्ला को पता नहीं। किसको पता है? जो रसगुल्ला खाते हैं उनको पता ये रसगुल्ला में कितने स्वाद है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा मैं कलयुग में राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर के कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में आऊंगा,
आकर के फिर मैं वो भाव रस को आस्वादन में कर सकता हूँ। इसलिए कई युग में उन्होंने राधा जी की भाव अंग कांति ये दो चीज को लेकर के जगत में आए। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपा। माता जी चुपचाप बैठो, इतने ये मत करो। इसलिए कहते श्री राधा रानी बड़ी दयालु, इसलिए रूप गोस्वामी कहते करुणा कुरुमयी करुणा भरी ते सन कथनाथ न वर्णित चरित। इसलिए राधा रानी बड़ी करुणा, बड़ी दयालु राधा रानी। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वैदग्ध सिंधु करुणा करुणाई का सिंधु और कहते वात्सल्य सिंधु रस शास्त्र कृपादि सिंधु श्री राधिके स्फुरति में रसके सिंधु। कहते राधा रानी जैसे सात समुद्र है, इकु समुद्र है, लवण समुद्र है, दूध का समुद्र है, घी का समुद्र है, कहते शराब का समुद्र है, कहते मधु का समुद्र, जैसे समुद्र सात समुद्र है, कहते राधा जी के अंदर में ये सारे समुद्र श्री राधा जी के अंदर में विद्यमान है। इसलिए राधा रानी करुणा की समुद्र श्री राधा रानी। इसलिए कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अमृतांत लेकर के आए। इसलिए राधा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु और इतना कृपालु, और इतने कृपालु इतने दयालु। उन्होंने पापी तापी उन्होंने किसी को नहीं देखा, अगर किसको उन्होंने दूर से अगर देख भी लिया बस कृष्ण प्रेम आय से जार दूर दर्शन है, केवल दूर से दर्शन करते उसको हृदय में कृष्ण प्रेम आ गया। इसलिए महाप्रभु जब जंगल में जा रहे थे उसी समय में ही पशु पक्षियों को भी उन्होंने प्रेम दिया, शेर को भी उन्होंने प्रेम दिया, सर्प को भी उन्होंने प्रेम दिया। झारखंड में एक जगह है, हैं अभी भी वो जगह है, सर्प लेटा हुआ था जब महाप्रभु जा रहे थे हरिनाम करते करते, उस अभी भी वो जगह में चिन्ह है, सर्प का चिन्ह है पूरा उसका पहाड़ एकदम पिघल गया। हिरण का चिन्ह है, हाथी का खुर का चिन्ह है पैर की, और शेर का पंजा का चिन्ह है, अभी भी वहाँ पर सारे चिन्ह है। महाप्रभु ने सारे पशु पक्षियों को भी उन्होंने प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए यहाँ पर कहते श्री चैतन्य कृपा निरकुंस निरकुंस महामाधुर्य कादम्बिनी। चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा निरकुंस, निरकुंस मतलब क्या है, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मेरे को जो जितना भजन करता मैं उसका उतना प्रेम प्रदान करता हूँ, उतना मैं प्रेम प्रदान करता हूँ। एक आना करेगा तो एक आना का भक्त दूंगा, दो आना करेगा तो दो आना की प्रेम दूंगा, तीन आना करेगा तो तीन आना के भक्त प्रेम दूंगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु तो मार खा कर भी प्रेम दिया, उन्होंने मार खा कर उन्होंने प्रेम दिया। कृष्णा अवतार राम अवतार में थोड़ी सी इधर कुछ बोल दिया तो चक्र उठा लिए, लेकिन महाप्रभु का अवतार में नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिए, हैं उनका सर भी फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु होकर तो भैया मेरे छी कलशी रखाना ताई बोली प्रेम नहीं बना, भले ही तुमने मेरे मटके से मेरे सर फोड़ दिया इसलिए क्या प्रेम नहीं दूंगा। एक बार बोलो मेरे प्रभु का नाम, एक बार बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। केवल मेरे प्रभु का एक बार नाम ले लो, बोले हमारे किणिया लो बोलो गौर हरि, मैं तुम्हारे पास में बिख जाऊंगा, केवल मेरे प्रभु का एक बार नाम तुम ग्रहण कर लो। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं दयाल नीताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दयाल नीताय चैतन्य बोले दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रहा मार मन। मेरे जो मन है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठे, बोले क्यों
बोले ऐसे क्या दयालु देखे हो, हैं मार खा करके भी प्रेम देते हैं, अपराध दूर जावे कृष्ण नाम। और जो भगवान राम का नाम कहते अगर हरि नाम करोगे अगर तुम्हारी अपराध ना प्रेम नहीं होगा, तो प्रेम नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम इतनी मधुर इतने मीठा, तुम्हारे सारे अपराध तुम्हारे हृदय में सारे पाप है, लेकिन उनका नाम लेते ही ना अपनी आप आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाती है, अपनी आप हृदय गदगद हो जाती है। हैं इसलिए बोले गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर हरी हरी बोली ते ना याने बाबे नीना आर कब नीताई चांदेर करुणा हरी वे संसार वासना मोर कब तुच्छ है। इसलिए कहते गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर, कहते महाप्रभु का नाम लेते ही अपने आप शरीर का जो रोंगट खड़े हो जाते हैं। और महाप्रभु का नाम इतने दयालु हरी हरी बोली ते नयन बबिनी, तभी हरि का नाम लेकर के आंखों से आंसू बहेगी। जब श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जब हमारे ऊपर में कृपा होगी हैं, इसलिए कहते महाप्रभु का जो कृपा है निरंकुश, उसमें कोई अंकुश नहीं। मतलब किसको अंदर में गुण देख कर किसको कृपा करते हैं ना, महाप्रभु तो इतने दयालु जैसे कृष्णा अवतार में इंद्र ने अपराध किया है, बारी बरसाया सात दिन तक कृष्ण का सामने आकर माफी मांगे, कृष्ण तो माफ किया लेकिन हृदय से माफ नहीं किया। ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुराया, जब पता चला कृष्ण भगवान वो भी आकर खूब नाकर गए, खूब उनके चरण में गिरे एकदम प्रणाम किया साष्टांग, लेकिन कृष्ण कृपा के लेकिन दिल से कृपा नहीं किया। उन्होंने देखा भगवान तो हम माफ तो किया लेकिन हृदय से माफ ही नहीं मांगे, हृदय से माफ नहीं किया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी तपस्या करके देखा यही कृष्ण ही कलयुग में श्री नवद्वीप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आएंगे। कहाँ पर? मायापुर में। मायापुर में हम जाएंगे ना, जहाँ महाप्रभु जन्म लिया उसका नाम अंतरदीप। क्या नाम है? अंतरदीप। अंतरदीप, अंतरदीप नाम क्यों पड़ा? जब ब्रह्मा जी वहीं पर तपस्या की, भगवान अपना अंतर की बात उसको बताए, अपना हृदय की बात को बता दी, बोले देखो मैं यहीं पर कलयुग में राधा जी भाव और अंग कांति लेकर के यहीं पर मैं आऊंगा और विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सारा दुनिया को बहाऊंगा। इसलिए तुम क्या करो, नवद्वीप में तुम जन्म ग्रहण करो। इसलिए ब्रह्मा जी बोलो यहीं पर भजन करो, ये जो धाम है यहाँ पर जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं करे, नवद्वीप धाम में एक बार जाए और वहाँ पर परिक्रमा करे, वहाँ की कथा सुने, वहाँ का धूल को शरीर में लगाए, फिर तो उसका सारे पाप उसका नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम यहीं पर जन्म ग्रहण करो। इसलिए नवद्वीप धाम में जाने पर क्या होगा, सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, अपराध तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर बन करके आए और उनने 3-3 लाख हरिनाम किया है, 3-3 लाख हरिनाम किया और महाप्रभु को उन्होंने सेवा की और महाप्रभु संतुष्ट होकर के उनका आशीर्वाद दिया। और जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े, 3-3 लाख हरिनाम करते थे हैं, और जगत में नाम की महिमा को उन्होंने प्रकाश की, केवल एक ही व्यक्ति हुए महाप्रभु जब शरीर छोड़े उनका अपना गोद में उठा करके महाप्रभु स्वयं लेकर गए और उनको समुद्र में स्नान कराया और समुद्र को बोले देखो समुद्र पहले तुम तीर्थ था लेकिन इनकी स्पर्श से तुम तीर्थ नहीं, आज से महा महातीर्थ हो गया। और उन्होंने उनको समाधि अपना हाथों से दिया और खुद महाप्रभु अभी किसके लिए भीख नहीं मांगी, और इनके लिए उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में गए जहाँ जगन्नाथ का प्रसाद मिलता है, महाप्रभु झोली पसार पसार करके उनके लिए भीख मांगे। और अभी तक भगवान किसको अपना हाथ से नहीं खिलाए, लेकिन वहाँ पर सब भक्तों को बैठा करके महाप्रभु अपना हाथों से, महाप्रभु का हाथ बहुत बड़ा हाथ है ना, कहते एक एक व्यक्ति थाला में ना 3-3 व्यक्ति का एक साथ में चावल पकड़ करके उठा करके खिलाते थे।
एक एक भक्तों को तीन तीन व्यक्ति का जो खाना उन्होंने अपना हाथों से भक्तों को खाना खिलाए और लास्ट में कहते हैं हरिदास ठाकुर जी की ये निर्जान तिथि में अप्रकट तिथि में जो उनको साथ में आए उनका जो समाज में रहती दिया यहाँ तक भी जिन लोगों ने केवल प्रसाद पाए इनका तिथि में आकर के उनको अच्छी रात में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो कृष्ण भक्ति उनको कृष्ण भक्ति मिले इसलिए महाप्रभु इतने दयालु इसलिए कहते महाप्रभु का जो कृपा कैसे कहते निरंकुश निरंकुश मतलब उसमें कोई अंकुश नहीं उन्होंने जिसको पार सबको दीन हीन लंगड़े लूड़े सबको उन्होंने कहते सब जीव पार प्रेम बाता से प्रेम की हवा ऐसे बही सब जीव को उन्होंने उद्धार कर लिया उन्होंने नहीं देखा भैया इतने पाप किया इसको कृपा नहीं करनी चाहिए इसलिए ब्रह्मा और हमारे इंद्र क्यों जन्म लिए बोले इन कृष्ण अवतार में उनको पता है तुमने ये अपराध किया ना तुमने ये पाप किया ना कृपा नहीं करेंगे लेकिन वही जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे राधा जी की भाव अंग गांधी लेकर के उन्हें ये विचार नहीं करेंगे जी आगे पड़े तारे करे निस्तार एक बार केवल आ करके उनके चरण में गिर जाओ उनका चरण में गिर जाओ उन्हें और कुछ नहीं देता जा तेरे कल्याण हो जाएगा तेरे उद्धार हो जाएगा इसलिए ये ब्रह्मा इंद्र सबके सब श्री नवद्वीप धाम में जन्म ग्रहण किए और लास्ट में जगाई माधाई भी आए हैं और जगाई माधाई आकर के उनका सर भी फोड़े लेकिन उनको भी उन्होंने भक्ति दिया और उनको भी उन्होंने भक्त बना दिया इसलिए कहते हैं हृदय बपे नव भक्ति सस्य वितनी संजीवतो सोगमा रंभे इसलिए यहाँ पर इसका ग्रंथ का नाम माधुर्य-कादंबिनी दिया है मतलब माधुर्य-कादंबिनी ग्रंथ क्यों दिया कारण क्या इसका उदाहरण दिया कहते हमारे हृदय है वो एक खेती है हृदय एक खेती है वो खेती में बीज बोना पड़ता है कहते वो बीज क्या बोले नौ तरह का जो भक्ति है जिसको प्रहलाद महाराज को जब उसको पिताजी ने पूछा ये बताओ मैंने तुमको गुरुकुल में जो लेखा पढ़ा सीखने के लिए भेजा था ये बताओ तुम सब जितने पढ़ाई में सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या सीखी सारे विद्या में सबसे उत्तम विद्या क्या सीखा प्रहलाद सोच रहे हैं ये बोल रहे हैं तेरे गुरुजी ने सबसे जो बढ़िया विद्या पढ़ाया हमारे गुरुजी तो संधामर कहे ही नहीं हमारे गुरु तो नारद जब मैया की पेट पर था नारद जी ने मेरी मैया को कितने सारी कथा सुनाई हमने तो सारी कथा सुना नारद जी से अभी यहाँ पर इतने लोग सारे बैठे हुए सबको सामने अच्छे तरह से बता दूंगा सबसे बढ़िया विद्या किया फिर उन्होंने बताए बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नव लक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने धीतमुत्तमम बोले पिताजी जगत में सबसे बड़ा विद्या है उत्तम विद्या है पहले गुरु जी की चरण में पहले शरणागत हो जाओ पहले ठाकुर जी की चरण में पहले शरणागत हो जाओ ठाकुर जी आप मेरे हो मैं तेरा हूँ हैं इसलिए आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो जगत में तेरी सिवाय और जगत में हमारा कोई है नहीं पहले उनकी चरण में शरणागति हो जाओ हैं जब शरणागति हो गया जब ठाकुर के चरण में गुरु जी के चरण में समर्पित हो गए जैसे कि गैया को जब हम बेच देते हैं ना वो गैया का स्वतंत्रता नहीं रहता है अभी जिसको बेच देंगे वो खिलाएगा तो खाएगा वो खुंटा में बांध देगा तो वहीं पर खड़ा रहेगा कि उसको बेच दिया ना ऐसे ही गुरु जी के शरण में और ठाकुर जी के चरण में पहले बिक जाओ ठाकुर जी अभी मैं तेरा मां चरण में मैं बिक गया हूँ पहले तो ठाकुर के चरण में बिक नहीं सकता हूँ पहले गुरु जी के चरण में पहले बेको बिक जाओ इसलिए आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे उनके चरण में बिक करके फिर क्या करो ये सारे भगवत भक्ति को जाजन करो भगवान की कथा सुनो उनका कीर्तन करो उनका स्मरण करो उनकी वंदना करो उनकी पाद सेवन करो ठाकुर जी की संपूर्ण रूप में चरण में पंचत जो नौ तरह का जो भक्ति है इसलिए महाप्रभु बोले
भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, जितने भक्ति को अंदर में श्रेष्ठ जो भक्ति नव विद्या भक्ति। कहते नौ तरह का जो भक्ति है, कहते अगर एक भक्ति तन्मन्य धीतम उत्तम, मतलब अगर एक भक्ति को अगर सही सही कर लिया, जैसे श्रवण परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या किया? कुछ तो किया ही नहीं, केवल भगवान की कथा सुने और कथा सुनते सुनते ही भगवत प्राप्ति हो गया। और कीर्तन, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी केवल प्रभु का कीर्तन किया, कीर्तन करते करते भगवान मिल गए। स्मरण में प्रहलाद महाराज और कुछ नहीं किया, पूरा कृष्ण की स्मरण करते 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 उनको ही कल्याण हो गया। पाद सेवन में कहते लक्ष्मी प्रभु की चरण की सेवा करते करते प्राप्त कर लिया। कहते बंधन में कहते अक्रूर, और श्री सख्य में अर्जुन कृष्ण का सखा बना तो कल्याण हो गया। दास्य में कहते श्री हनुमत लाल जी, कहते एक एक भक्ति को अगर एक निष्ठा हो करके, बोले एक अंग साधे कोई साधे बहु अंग, कृष्ण प्रेम उपजय निष्ठा तरंग। कोई एक भक्ति का अंग जाजन करता है, कोई बहुत सारे भक्ति का अंग जाजन करता है, लेकिन कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? कहते निष्ठा होनी चाहिए। अगर एक निष्ठ होकर के एक भक्ति का अंग को एकदम सही सही उसमें डूब जाओ, बस उससे जीव का कल्याण उसी से ही हो जाएगा। हैं, इसलिए कहते जो नव विद्या भक्ति तार मध्य, और इसको जब सार रूप में लिया, कहते पांच तरह का भक्ति बताए हैं, मथुरावास ब्रज में वास करना, भगवान की मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, साधु संग करना, भगवान की नाम संकीर्तन करना, और ये भागवत कथा सुनना। हैं, कहते पांच अंग में अगर थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक कोई एक अंग को जाजन करना, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको परिसार रूप में लिया, तीन भगवान की कथा सुना, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण किया, लेकिन उसी तीनों में भी सार रूप में एक भक्ति को लिया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। ये सारे भक्ति का अंग में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है भगवान की नाम कीर्तन, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोले, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की जो कीर्तन है परम विजय थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान की जय जयकार हो, ठाकुर जी की भगवान कीर्तन की जय जयकार हो। देखो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो कीर्तन जो है ना वो बीच में रखा है, कीर्तन को बीच में रखा है, इधर भगवान कथा सुनना, इधर स्मरण करना, और बीच में रखा कीर्तन। बोले क्यों ये बीच में कीर्तन क्यों रखा? कारण क्या है? कहते जैसे कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हो सकता है शरीर में तो यहाँ बैठे लेकिन मन घर में, पता नहीं घर में दूध तो नहीं आ गया, बच्चे तो उठ नहीं गया, पति को खाना तो देना नहीं पड़ेगा, शरीर यहाँ बैठे लेकिन मन कहाँ पर? और कहीं। स्मरण, लेकिन स्मरण सबसे ज्यादा कठिन है, स्मरण प्रभु का स्मरण में बैठ जाए पहले तो सबसे पहले नींद आ जाएगी, और कुछ नहीं आए पहले नींद आ जाएगी, है? इसलिए कहते स्मरण सबसे जो कठिन, लेकिन इन्होंने बीच में उन्होंने कीर्तन को रखा। बोले बीच में कीर्तन क्यों रखा? बोले कारण है जो कीर्तन है, जैसे बीच वाले ना वो इसको भी मदद कर सकता है, वो इसको भी मदद कर सकता है, ये दोनों को मदद कर सकता है। अगर कीर्तन करोगे जोर जोर से हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hari Gaur, Hari Gaur, Hari कीर्तन करने से क्या होगा, जो कीर्तन किया ना वही श्रवण हो गया, कान में हो गया, और जो कीर्तन किया जो कान में गया वही स्मरण हो जाता है। अगर कोई झपकी माने जा झपकी आ रही ना, अगर जोर जोर से कीर्तन करना देखना क्या होगा, झपकी आनी बंद हो जाएगी। अगर मन तुम्हारी इधर उधर भाग रही है, मन इधर उधर, अब थोड़ी सी कीर्तन करना देखना, मन फ्रेश हो जाता है, मन अपने आप फ्रेश हो जाता है मन। इसलिए ये कीर्तन क्या करता है, अगर कीर्तन को अगर कोई अच्छे तरह से कर लेना कीर्तन, बल्कि ये जितने सारे भक्ति का अंग एक कीर्तना के भक्ति में ही पूरी हो जाती है। इसलिए महाप्रभु बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। महाप्रभु बोले यह जप गया सबे करिया निर्बंध, मैंने हरिनाम दिया है ये हरिनाम को नियम करके करो, ठीक से हरिनाम करो, अगर इसको ठीक से करोगे ना यहाँ सर्व सिद्धि है वे सवार। ये हरिनाम करने से तुमको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन, तुम्हें कृष्ण नाम से तुमको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु कभी कभी कीर्तन करते करते कभी नाचते थे, कभी महाप्रभु जमीन में लौट पोट खाते थे, कभी महाप्रभु रोते थे, कभी महाप्रभु हंसते थे। किसी ने कहा भैया ये हरिनाम करते करते तुम ये नाच कूद रहे क्यों, तुम सन्यासी होकर क्यों नाच कूद रहे हो, तो हंस रहे हो क्यों। महाप्रभु बोले देखो गुरु मरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरुदेव ने कहा देख बेटा तुम मूर्ख हो हैं, हमको शासन ने किया। बोले क्या, बोले तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार, भैया तू वेद वेदांत पढ़कर समझ नहीं पाओगे। ये कृष्ण नाम जप यही सर्वशास्त्र साथ, ये कृष्ण नाम केवल जप किया करो, यही कृष्ण नाम करते करते तुम्हें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। और गुरु जी को बात क्योंकि मैंने दृढ़ विश्वास करके, जब गुरु जी को बात क्योंकि मैंने ये हरिनाम कीर्तन करते 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 हृदय एकदम पवित्र हो गया। और एक दिन हमने देखा वृंदावन में यमुना कलकल नाद से यमुना बह रही है, बड़ी सुंदर कदम वृक्ष, उसको नीचे एक श्याम सलोना सा एक सुंदर बालक मुस्कुराते हुए पीताम्बर पहने हुआ, सर पर मोर पंख है और खड़े होकर के बंसरी बजा रहा। और उसको देख करके तो मैं पागल हो गया, और उसको पकड़ा, उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़ ही लिया, तो देखो वो है ही नहीं, फिर दूर में खड़ा हुआ, फिर मेरे को बुलाता है। इसलिए जब जब मैं हरिनाम करता हूँ वो कृष्ण को वृंदावन में कदम वृक्ष को नीचे बंसरी बजाते हुए देखता हूँ, और उसको देख कर कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी लौट पोट गाता हूँ। बोले भैया यही तो हरिनाम का यही तो फल है, हरिनाम की यही फल है, एक दिन कृष्ण की दर्शन हो जाएगा हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो हमारे हृदय एक खेती है, हृदय एक खेती है, उसमें बीज कोर्च किस चीज के बीज है, बोले जो नवदा जो भक्ति है, कहते यही इसकी बीज रूप में उसको बो दिया तो अभी भैया उसमें पानी देनी चाहिए, उसको अंदर में भी पानी देनी चाहिए, तभी तो वो धीरे 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 एक अंकुर होगा, फिर दो पत्ते हो गया, फिर उसमें टहनियाँ आएगी, फिर उसमें धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, पहले ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, फिर जा करके फिर वैकुंठ को भेद करेगा, अयोध्या को भेद करके फिर द्वारका मथुरा, उसे लास्ट में वृंदावन में जा करके राधा कृष्ण का चरण को आश्रय करते हुए, और सुंदर सुंदर उसमें फल आएगा, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, बस बैठ बैठ कर खाओ इसको, बैठ बैठ करके और खाते रहे वो फल को। कौन सा फल है, कहते भगवान का प्रेम फल है, ठाकुर जी की ये प्रेम फल खाते रहो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो महाप्रभु का जो कृपा है, महाप्रभु का जो कृपा है अद्भुत कृपा है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे निरस, जैसे कोई मरुभूमि है, हैं मरुभूमि है, अगर ये मरुभूमि कहता हमारा हृदय भी ऐसे मरुभूमि है। मरुभूमि मतलब जहाँ पर कोई बीज को बो ना, जहाँ पर
वृक्ष नहीं होगा, उसर भूमि जिसको कहते हैं मरुभूमि, रेती रेती जिसमें उसर भूमि, इसमें बीज भी लगा जिसमें खेती नहीं होगी। हमारा हृदय ऐसे ही, हमारा हृदय ऐसे है जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ऐसे हमारे हृदय भरा पड़ा हुआ है, हैं? इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, हैं? उसमें कहते हैं एक भजन है, क्या भजन है बोलो, याद करा, परमा करुणा पोहो दुईजना दयाल निताई गौर चंद्र तारा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी संसार छाड़िया सिर से मजिया बोलह मुखे बोलह हरि हरि। ये भजन में कहते हैं बोले देखो अरे भाई त्रिभुवन नाही हेमन दयाल दाता, कहते भैया त्रिभुवन में महाप्रभु जितने दयालु ऐसे दयालु देखा है, बोले पशु पाकी जुरे पाषाणा बिदरे, उनने पशु पक्षियों को भी कृष्ण प्रेम में डुबा दिया और पाषाणा बिदरे सुनी जार गुण गाथा, जिनकी गुण महिमा सुन करके पत्थर भी जिसका पिघल गया। इसलिए उसमें कहते हैं पत्थर तो पिघल गया लेकिन हमारे जो मन रूपी जो पत्थर है ना अभी तक पिघल नहीं, कहते पत्थर को महाप्रभु ने पिघल दिया लेकिन हमारे हृदय इतनी अपराध इतनी काम क्रोध छल कपट से भरा हुआ अभी हमारे मन पत्थर तो गलनो नारे, मतलब मन रूपी जो पत्थर अभी तक पिघला नहीं और सबके सबका है सबका सब पिघल गया लेकिन हमारी मन रूपी पत्थर अभी तक पिघला नहीं है। लेकिन महाप्रभु कहते उदाहरण देते हमारे हृदय से उस सर्वभूमि है लेकिन महाप्रभु का ऐसे कृपा है ना ऐसे कृपा जो उस सर्वभूमि जिसमें कभी जिसमें पेड़ बोगत जिसमें कभी हो ही नहीं सकते वृक्ष, लेकिन महाप्रभु का जो दया इतने दयालु इतने कृपालु उन्होंने जो उस सर्वभूमि को भी उन्होंने सरस बना दिया, उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। बोले कौन कौन है, जैसे जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य है, सार्वभौम भट्टाचार्य जो बहुत बड़े विद्वान मायावादी भगवान को निराकार मानने वाले, कहते इसका हृदय सबसे ज्यादा सरस सबसे ज्यादा इनको कठोर होता है इनका हृदय, क्योंकि भगवान का लीला को वो नित्य नहीं मानते हैं, कहते अरे वही ब्रह्म था ना उसको माया पकड़ लिया तो ब्रह्म ही अभी कृष्ण राम बन करके आगे लीला कर रहे हैं, इनकी भी जब मुक्ति होगा ना वो भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए भगवान की जो लीला कथा को नहीं मानते, बोले तो माय की है, वही ब्रह्मा आकर के वो माय की लीला किया माया पकड़ लिया जो लीला किया, उनका हृदय बड़ा कठोर हृदय है। इसलिए श्री भक्तिविनोद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मायावाद दोष जारे हृदय फसी लो कुत्तर के हृदय तारा वज्र समय भलो, जिसके हृदय में ये मतवाद ये फिलोसफी घुस जाए ना अरे सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म से आए ब्रह्म में लीन हो जाओगे भगवान को रूप है नहीं सब ही ब्रह्म ब्रह्म, कहते बड़ा कुत्तर की होते हैं बड़ी इनका हृदय बड़ा कठोर हृदय इनका होता है, कुत्तर के हृदय तारा वज्र समय भलो, वो वज्र जैसे उसका हृदय कठोर हो जाता है, इन लोगों का कल्याण होना कठिन है। लेकिन ऐसे जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे मायावादी हैं भगवान को निराकार निराकार बोलने वाले, लेकिन महाप्रभु ऐसे शुष्क हृदय में भी उन्होंने भगवान की भक्ति रस को संचार कर दिया इनका भी कल्याण कर दिया। इसलिए काशी में प्रकाश आनंद वो भी एक मायावादियों का गुरु था, इसलिए महाप्रभु कहते थे काशी ते पढ़ाई बेटा प्रकाश आनंद मोह हृदय करे खंड खंड, क्योंकि भगवान के लीला को वो स्वीकार नहीं करते, प्रभु के लीला को माया की मानते हैं, मतलब भगवान का शरीर को बोटी बोटी कर काटते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो जिनका हृदय सुखा हृदय था महाप्रभु उनका हृदय में भी प्रेम भक्ति को संचार कर दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमारा जो हृदय है हमारा जो हृदय है एक मरुभूमि है और हृदय एक निराशा और एक उसर भूमि, लेकिन महाप्रभु का कृपा कैसे है, महाप्रभु का जो कृपा है ये बड़े दयालु महाप्रभु बड़े दयालु, सभी का हृदय में उन्होंने
प्रेम को दे दिया। एक उदाहरण यहाँ पर दिया, जैसे बड़े दिन से कहीं बारिश नहीं हुई थी, धूप से हाँ गर्मी से सब लोग तप रहे, सबके सब तप रहे। अब देखना अगर आकाश में काला मेघ अगर छा गया ना, अगर थोड़ी कहीं बारिश ही होने लग जाए, काला मेघ छा गया देना, काला मेघ जब छा जाती है बड़ी सुंदर हवा है, बड़ी ठंडी 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 हवा बहना शुरू कर देता है। क्या उसी तरह हमारा हृदय तो ये मरुभूमि है, हमारा हृदय तो निरस भूमि है, लेकिन महाप्रभु का कृपा कैसे है, कहते ये माधुर्य कादंबिनी है। ये कादंबिनी मतलब होता है जो मेघमाला है, कहते जो मेघमाला है महाप्रभु का जो कृपा, आकाश में अगर मेघ छा गया ना, जैसे ठंडी ठंडी हवा करके एकदम हृदय को, गर्मी में हम तप रहे, गर्मी को जैसे शांत कर देता है, उसी तरह महाप्रभु का कृपा भी ऐसे है जो कि हमारे हृदय में, जिसके हृदय में भक्ति की कोई गंध तक भी नहीं थी, हृदय हमारे शुष्क निरस था, लेकिन ऐसे हृदय को भी महाप्रभु का जो कृपा है ना, उनको भी सरसता प्रदान करते हैं। आप कहाँ जन्म लिए, ये कहाँ जन्म लिए, ये कहाँ जन्म लिए, ये कहाँ जन्म लिए, ये कहाँ जन्म लिए, मैं कहाँ जन्म लिया। देखो महाप्रभु की कृपा, देखो मैं से तुम लोग तो कहीं शहर पर में यहाँ पर आ गए, मेरा जो घर है ना वो गांव के किसी कोने में है, गांव के किसी कोने में घर है, हाँ गांव में, हम एकदम पूरा गांव में रहने वाले, हमारे गांव में। लेकिन हम कभी महाप्रभु का कृपा कभी होएगी, कभी हम यहाँ पर आएंगे, वृंदावन में आएंगे, बैठेंगे, हरी चर्चा करेंगे, भगवान की भजन करेंगे, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम जैसे गांव के किसी कोने में जैसे जन्म हुआ है। लेकिन किसी की कृपा हुई, हम सब के सब अलग अलग देश के लोग हो, लेकिन यहाँ पर बैठ करके तिलक लगा कर गले में कंठी पहन करके और बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, किसकी कृपा है, कहते श्री महाप्रभु की कृपा है। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आश्चर्य नगर आदि ग्राम सर्व प्रचार है मेरे नाम। एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी में जितने नगर ग्राम में सब जगह में मेरे नाम प्रचार होगा, सबके लोग सुखी होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु का निरंतर कृपा है, अहित कृपा हम थोड़ी बहुत जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद जय हरि हरि बोल, वंशाकल दुर्गस्य कृपा सिंधु भय बचा, पतिता नाम पावन भो वैष्णव भो नमो नमो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर